कहेंगे, ये दरभंगा शहर की जो ये बारिश और इसका हाल है, इसका तो सारा शहर नगर निगम को ही जाता है, इसमें और किसी का हस्तक्षेप तो रहेगा नहीं। परेशान है, रातों से काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है। इस बारिश में मेरे घर के अंदर करीब 2 फीट पानी प्रवेश कर गया है। निगम की लापरवाही के चलते नाली और सड़क का अंतर हुआ खत्म। DMCH के वार्ड सहित कई लोगों के घरों में घुसा गंदा पानी। शहर में दिख रहा बाढ़ सा नजारा। मंगलवार की देर रात से हो रही झमाझम बारिश ने दरभंगा नगर निगम के सारे दावे की पोल खोल के रख दिया है। मानसून की बारिश से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है, वहीं हर तरफ नगर निगम सहित उसके अधिकांश वार्ड जलमग्न हो गया है। सभी वार्डों के सड़कों पर 1 से 2 फीट पानी लग जाने से कई लोगों के घरों में नाली के गंदे पानी प्रवेश कर गए हैं, जिससे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोग निगम प्रशासन से पंप लगाकर पानी निकासी का गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल DMCH के आपातकालीन विभाग, औषधि विभाग, शिशु रोग विभाग, स्त्री रोग विभाग सहित पूरे परिसर जलमग्न हो गए हैं। जल जमाव की वजह से इलाज कराने पहुंचे मरीज, उनके परिजन एवं स्वास्थ्य कर्मियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में चारों तरफ जल जमाव होने के कारण नाली का गंदा पानी आपातकालीन विभाग, औषधि विभाग, शिशु रोग विभाग सहित कई वार्डों में घुस गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बहुत परेशान है, रातों से काफी जोरदार बारिश हुई है। इस बारिश में मेरे घर के अंदर करीब 2 फीट पानी प्रवेश कर गया है। हर रूम में, किचन में, बाथरूम में, बरामदा पर, आंगन में सभी तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे कहेंगे, ये दरभंगा शहर की जो ये बारिश और इसका हाल है, इसका तो सारा शहर नगर निगम को ही जाता है, इसमें और किसी का हस्तक्षेप तो रहेगा नहीं। ये नगर निगम को देखना है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और यात्रियों को परेशानी नहीं हो, दरभंगा वासियों को परेशानी नहीं हो, परेशानियों से वो जल्दी हटे, ये नगर निगम को ध्यान देना पड़ेगा। ये समस्या तो नगर निगम की लगातार पिछले एक दशक से चली आ रही है, कई वर्षों से चली आ रही है, और ये से मतलब सुधर नहीं रहा है। तो इस पे क्या नगर निगम के लिए कोई सुझाव देंगे, क्या करना चाहिए? क्योंकि आप अतिक्रमण यहाँ पे है, नाला जाम है, नाले का काम नगर निगम नहीं कर रही है। तो इस पर तो 6 माह पहले, बरसात के 5 माह पहले सरकार का बराबर पत्र आता है और खानापूर्ति नगर निगम के माध्यम से भी हो जाती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन बिना सही मॉनिटरिंग के सब जगह पानी लगा हुआ है। अब पानी लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कहाँ पे पानी अटक रहा है, अगर उसको क्लियर कर देने से पानी क्लियर हो जाएगा। हम लोग की सरकार थी, जब बाढ़ आया था तो बड़े बड़े पंप हम लोगों ने खरीदवाए थे नगर निगम, वो पंप भी है, तुरंत पंप आउट हो सकता है, लेकिन सही मॉनिटरिंग और सही ध्यान और लापरवाही के कारण जो है। न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा।